ये डॉग दर्द से इतना बेचैन हुआ जा रहा था कि ये जब से आया तब से अपने केनल को काटना रुक ही नहीं रहा था, सिवाय तब जब हम इसको गाने सुनाते थे। शुरुआत से इसकी कहानी कुछ अलग थी। हमें जब इसके बारे में कॉल आई तो हमें बताया गया कि एक डॉग के गले में सुअर पकड़ने वाला शिकंजा बहुत बुरी तरह से फंस गया है, उसका घाव काफी गहरा हो गया है और अगर हम जल्दी वहां ना पहुंचे तो फंदा उसके गले के मांस को काटता हुआ उसके सांस की नली तक को काट देगा। जब हम वहां पहुंचे तो जिन्होंने हमें कॉल किया था वो हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और हमने देखा कि वो कमरे के अंदर चारपाई के नीचे छुपा बैठा है। साहिल दबे पाव अंदर गया ताकि डॉग डरे ना, अगर वो डर के भाग जाता तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता और दोबारा इतनी दूर जब तक हम पहुंचते तो वो शायद ही बच पाता। साहिल ने कैचिंग नेट लेके चारपाई के पास जाके मुआयना किया। गौरव दरवाजे पे दूसरा कैचिंग नेट लेके खड़ा था ताकि अगर डॉग एकदम से बाहर भागने की कोशिश करता है तो वो उसको पकड़ ले। साहिल ने जैसे ही नेट उसकी तरफ बढ़ाया तो डॉग जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनके साफ समझ आ रहा था कि वो बेचारा बहुत दर्द में है। हम लोग भी ज्यादा जोर नहीं लगा रहे थे जिससे उसको और चोट ना आए, पर थोड़ी देर में वो खुद ही बाहर आ गया। हमने आराम से नेट उस पर डाल दिया। जैसे ही नेट हमने उस पर डाला वो फिर से दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। हमने उसको नेट में बंधे हुए ही अपने ट्रांसपोर्टेशन केज में रख लिया और बिना समय गवाए उसको अपने क्लिनिक ले आया जिससे उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू किया जा सके। जो भी उस बेचारे के घाव को देख रहा था कुछ देर के लिए मानो ठहर जा रहा था। उसके गले का घाव इतना बड़ा था कि उसके और उसकी मौत के बीच में मांस की एक पतली परत ही बची थी। वैसे तो हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते, पर उसकी स्थिति के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसके लिए हमारे मन से दुआएं तो नहीं ही निकल रही थी। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इन ट्रैप्स का इस्तेमाल जंगली सुअर को पकड़ने के लिए किया जाता है। इन शिकंजों का इस्तेमाल किसान पहले अपने खाने को जंगली सुअर से बचाने के लिए करते थे, आज इन शिकंजों का इस्तेमाल जंगली सुअर को खाना बनाने के लिए किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स ने इसकी जांच शुरू कर दी पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। उसके गले के घाव के कारण ना तो हम उसको पोल एंड रोप से पकड़ सकते थे और ना ही हम उसको मजल पहना सकते थे, क्योंकि मजल भी आखिर जाके बनता तो वहीं है जहां पे उसका बहुत बड़ा घाव था। इसीलिए हमें उसका मुंह पट्टी से बांधना पड़ा, जो कि हम आमतौर पर तो नहीं करते क्योंकि इससे डॉग को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और साथ ही साथ पट्टी के निकलने का भी खतरा रहता है। तार उसके गले से इस कदर लिपटी हुई थी कि हम उसको हाथ से खोल के नहीं निकाल सकते थे और हमको तार को प्लास से काटना पड़ा। तार कटने पे हमने देखा कि 3 इंच गहरे उसके घाव में मैगेट्स ही मैगेट्स भरे थे। हमने उसके मैगेट्स निकाले और एक बड़ी सी पट्टी में मैगेट्स की दवाई लगा के उसके गले पे बांध दी ताकि अगले दिन तक उसके सारे मैगेट्स निकल जाएं। हमने उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया ताकि तार की वजह से उसको इन्फेक्शन ना हो जाए और फिर उसका रेगुलर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और पेन किलर्स पे होने के बावजूद वो बेचारा इतने दर्द में था कि उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। हमने इसका नाम पार्टिकल रखा। समय के साथ पार्टिकल का गला बहुत हद तक हील हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को बोल के जाहिर नहीं कर पाता था। पर एक दिन बाय चांस ही हमें उसको राहत पहुंचाने का एक तरीका मिल गया। पहले ये हल्ला करता था, अभी हल्ला सुनता है। इसको अच्छा लगता है म्यूजिक। अच्छा, पार्टिकल साहब अंदर है तो म्यूजिक का ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये तुम्हारा है? हाँ। कैसे हुआ? एक दिन दिनेश भैया शाम को म्यूजिक प्ले कर रहे थे एंड यूट्यूब पे इसको सुना रहे थे, पार्टिकल कान हिला रहा था। कोई सॉन्ग अगर इसे पसंद नहीं आया तो वो भौंक के बताता था और जैसे ही म्यूजिक चेंज किया वापस से शांति से बैठ के कान हिलाना चालू कर देता था। पार्टिकल का शारीरिक सुधार तो हमारे डॉक्टर्स इलाज के द्वारा कर ही रहे थे और उसका मानसिक सुधार हमारे वॉलंटियर्स म्यूजिक थेरेपी से करने लगे। जिन्होंने पार्टिकल के रेस्क्यू के लिए हमें कॉल किया था वो उससे अक्सर मिलने आते थे, पर जिस दिन उन्होंने उसको लेने आना था उसी दिन पार्टिकल की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो एकदम सुस्त हो गया था और हमने उसका ब्लड टेस्ट किया और उसी के अनुसार उसका एक नया ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी और उसका शरीर का तापमान 104 डिग्री तक पहुंच गया। हमने उसके तापमान को कम करने के लिए उसको आइस पैक्स लगाए और उसको क्लिनिक के एसी में शिफ्ट कर दिया, पर हमारी हर कोशिश के बावजूद पार्टिकल ने फार्म पे ही अपना दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद हमें पता चला कि क्योंकि पार्टिकल का घाव उसकी सांस की नली के इतने नज़दीक था, खून धीरे धीरे रिस के उसके फेफड़ों में भर गया था और यही उसकी मौत का कारण बना। उसका मरना तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वो सुअर पकड़ने वाले शिकंजे में फंसा। पार्टिकल के जाने से सारा फार्म उदास है, आखिर उसकी लाइफ स्टोरी किसी ट्रेजेडी फिल्म से कम नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी शिकंजे में कोई सुअर फंस के मरा होता तो क्या हम इसको
ट्रेजेडी की तरह देखते या पार्टी की तरह।